नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में। दोस्तों आज बात होने वाली है इंडियन रेल यानी कि ट्रेनों के टिकट्स बुक जब हम ऑनलाइन करते हैं तो इसके लिए ज़रूरत होती है हमें एक अकाउंट की, जिसे हम कहते हैं IRCTC की अकाउंट। तो इस IRCTC अकाउंट को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल इन दिनों उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ नोटिफिकेशन आ रहे हैं वेरीफिकेशन को लेकर के। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या है ये वेरीफिकेशन, किसको करानी है वेरीफिकेशन, क्या बिना वेरीफिकेशन के टिकट्स बुक होंगे या नहीं होंगे और ऐसा क्यों हो रहा है बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि इसी तरह हर रोज एक नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी देना चाहूंगा। 9 फरवरी की रात को एक महिला चेन्नई के करीब ताम्बरम रेलवे स्टेशन पर अकेली, एक महिला कोच यानी कि महिला यात्रियों के लिए जो कोच होता है उस कोच में अकेली सफर कर रही थी, तभी 21 वर्ष का एक लड़का आकर उनके सामने बैठ जाता है और वो जिस तरह की हरकत करता है, मतलब ये जो वर्ड है मैं अपने YouTube के वीडियोस में शायद पहली बार इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो लड़का बैठकर उस महिला के सामने मास्टरबेट करना शुरू कर देता है। जरा आप सोचिए कितनी शर्मनाक हरकत है ये। वो महिला की यूट्यूबर थी, उन्होंने फौरन अपनी फ़ोन को निकालकर फ़ोन से इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना चुपके से शुरू कर दिया, जिसके बाद इसकी शिकायत होती है और इस बंदे को पकड़ लिया जाता है और IPC की धारा 354A के तहत इस पर मुकदमा चलाया जाता है। 354A जो कि यौन उत्पीड़न को दर्शाता है। ऐसे में दोस्तों जरा सोचने वाली बात है, इस तरह के यानी कि एक अकेली महिला के साथ इस तरह के अगर 3 से 4 लोग और होते तो ऐसे में क्या हो सकता था, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही मेरा ये डिमांड है भारतीय रेल से कम महिलाओं की जो कोच होती है उनमें तो CCTV कैमरे होने चाहिए या तो फिर गार्ड्स का होना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। आप उसे सहमत हो या नहीं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आपको बताना चाहूँगा वेरिफिकेशन वाली बात, तो देखिए इसमें घबराने जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट्स पर आपने देखा होगा कि वेरिफिकेशन आप नहीं कराओगे तो आपकी टिकट बुक नहीं हो पाएगी वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कही गई है जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा की तरह सरल भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप सबको पता है कोरोना की वजह से ट्रेनें बंद हो गई थी, तो जाहिर सी बात है लोग टिकट कैसे बुक करेंगे, तो अकाउंट्स का भी लोगों ने इस्तेमाल यहाँ पे करना बंद कर दिया था। तो इस वजह से रेलवे ने यह फैसला लिया है कि अब बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका इस्तेमाल कई मतलब बहुत ज्यादा दिनों से नहीं हुआ है, उन अकाउंट्स का वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा। यहां पे वेरिफिकेशन अगर आप नहीं करते हो तो आप टिकट बुक नहीं कर पाओगे। और वेरिफिकेशन कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, वेरिफिकेशन के लिए सिंपल सा आपको कुछ स्टेप्स है। जैसे ही IRCTC को लॉग इन करोगे तो लॉग इन करने के बाद आपके लिए आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह का एक विंडो आएगा, जिसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए कहा गया होगा, साथ में एडिट का भी एक ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो एडिट पर अगर आप क्लिक करते हो यानी कि आपको अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर बदलना है यानी कि कोई पुराना नंबर वगैरह है, तो यहां पे आप एडिट पर क्लिक करके आप यहां से अपने नंबर को या ईमेल आईडी को बदल सकते हो। जो ईमेल आईडी या जो नंबर आप देकर कंफर्म करोगे तो यहां पे आपके उस नंबर या उस ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा। OTP का मतलब होता है 1-time PIN। इस पिन को जैसे ही आप अपनी स्क्रीन पर एंटर करोगे IRCTC की वेबसाइट में, तब जो है आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो पाएगा और आप टिकट बुक कर पाओगे। इस चीज़ को बहुत से यूट्यूबर्स ने या बहुत सारी वेबसाइट्स ने ये कहा है कि IRCTC का नया रूल आ गया, नया नियम आ गया, वेरिफिकेशन करना जरूरी है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जिसके स्क्रीन पर जिसकी IRCTC अकाउंट में ये विंडो आती है सिर्फ उनको वेरिफिकेशन करना जरूरी है, और अगर ऐसे आप चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। और बहुत कम ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका बिना वेरिफिकेशन के टिकट्स बुक हो रहे हैं, अगर ऐसा है तो भी आप चाहे तो कर सकते हो उस अकाउंट को वेरिफिकेशन। दोस्तों आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, जानकारी को दोस्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।